दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये एक एमसीबी का स्ट्रक्चर है जो कि वर्किंग स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एक एमसीबी लगा रखी है, दूसरे एमसीबी, ये तीसरी और ये चौथी। ये मेन है जो कि सारी जो मेन पावर की सप्लाई है वो नीचे से हमने कनेक्ट रखी है मीटर के थ्रू, और इसमें जो है दोनों फेज और न्यूट्रल दोनों को दोनों हमने जो सारी कनेक्शन जो पावर की सप्लाई की जो भी कनेक्शन होती है वो एमसीबी में हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हमने नीचे से कनेक्ट करना है। और ये सारे के सारे जो भी ये आपको एक दो तीन ये तीनों के तीनों को जो है पावर सप्लाई यहाँ से मिलेगी, जो मेन इनका यहाँ से पावर सप्लाई देने का, ठीक है। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ से सारे के सारे अलग अलग स्विच बोर्ड से तारे आ रही है। देखिए आप येलो कलर की तार आ रही है, ये देखिए आप रेड कलर की तार आ रही है, ग्रीन। मेनली इसमें तीन तरह की तारें होती हैं, एक फेज़ की होती है जो रेड कलर की है वो फेज़ की है, ब्लैक कलर की न्यूट्रल की है, येलो कलर का जो है वो भी न्यूट्रल के रूप में यूज़ किया गया है, और एक है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की जो वायर है वो है आपकी अर्थ की वायर। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ऊपर, जैसे इसमें हम तीन स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं, स्विच बोर्ड के थ्रू जो कनेक्शन आ रहे हैं, एक दो तीन। इसमें देखिए ऊपर आपने फेज़ और न्यूट्रल दोनों को दोनों कनेक्शन कर रखा है, इसमें भी आपने फेज़ प्लस न्यूट्रल, जितने भी न्यूट्रल हैं वो भी देखिए किनारे से ही आ रही है, और ये जाके हमने इसको मेन में, ये जो मेन है हमारा ये मेन है जो कि ट्रिप करता है, अगर लाइट उठ जाती है इसमें हमने कनेक्ट करना है। ऊपर जितने भी कनेक्शन हैं वो हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, जो जो अलग अलग स्विच बोर्ड से आ रहे हैं। ये अलग अलग हैं जैसे कि लोड बैलेंसर है, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग के लिए हमने सप्लाई दे दी है।